आज मैं अपनी माँ को अमृतसर लेकर जा रहा हूँ क्योंकि वो कई दिनों से गोल्डन टेम्पल जाना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि इस ट्रिप को माँ के साथ भी इको फ्रेंडली बनाता हूँ। सबसे पहले गाड़ी सर्विस कराई और टायर में हवा भराई। ऐसा करने से गाड़ी कम फ्यूल कंज्यूम करती है। रास्ते के लिए माँ ने फ्रूट्स काट लिए और मैंने अपने साथ ये बॉटल, फोक, नाइफ, कप सब रख लिया ताकि प्लास्टिक वेस्ट जनरेट ही ना हो। अब हम जाने को एकदम रेडी हैं। बाबा जी को मत्था टेका और हमने जर्नी स्टार्ट कर ली। रास्ते में मौसम बहुत अच्छा था तो एसी ऑन नहीं किया और विंडो ओपन रखे और पुराने किशोर कुमार मोहम्मद रफी के गाने सुनते हुए अपनी मंजिल की ओर जाने लगे। ये देखो जी मम्मी इंजॉय कर रही है। गाड़ी मैंने हमेशा 80 से 100 की स्पीड पे रखी ताकि गियर शिफ्ट ना हो और माइलेज भी ज्यादा आए। रास्ते में हमने पंजाबी थाली खाई और क्योंकि सब कुछ स्टील के बर्तनों में था तो अपनी कटलरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। और फिर हम पहुंच गए अमृतसर। वहां पहले होटल में चेक इन किया और फिर गए गोल्डन टेम्पल। सरोवर के पास बाबा बुड्ढा जी के नीचे बैठने में बहुत सुकून मिलता है। लंगर भी छका और फिर पहुंच गए कुलवंत सिंह के फेमस अमृतसरी कुल्चे खाने। वहां लस्सी भी पी और ये देखो जी मेरी सफेद मूछें बनती हुई। तो इस तरह माँ और बाबा जी के आशीर्वाद के साथ मैंने अपनी अमृतसर ट्रिप जीरो वेस्ट बनाई।